एक तरफ दुनिया दी आजमाइशा ए ने, एक होर आजमाइश है कि इन आजमाइशा तो भी बढ़ के हर बंदा एक मुसीबत अंदर फंसिया है। किसी का कारोबार नहीं चलता, आके मौलवी साहब न रजू कर दे, मौलवी जी कारोबार नहीं चलता, लगता है मेरा काम किसी ने बंद दिता है, किसी बंदे ते बीमारी मुसलत हो गई है, आके रजू कर दे, मौलवी जी इंज लगता है बीमारी बड़ी शिद्दत अख्तियार कर गई है, किसी ने साढ़े ते काला चिट्टा कर दिता है, किसी बंदे नू कोई होर परेशानी आ गई है, उन्हें आके कहना शुरू कर दिता है, मौलवी जी जरा ध्यान करे आ जे, ए साड़ी नपस्या करके देखे आ जे, इंज लगता है किसी ने कोई जादू कर दिता है, किसी ने कोई टोना कर दिता है, किसी पास्यों को मुसीबत आ गई है। हाँ हाँ मेरे भाई, हर बंदे दे ऊपर 24 घंटियां दे विचों एक बारी जादू दा हमला होया करदा है, सिवाय उना लोगां दे जिना लोगां दी तरतीब तुहाडे सामने बयान करना चाह रहा। महबूब अली सलाम ने फरमाया है, जदों बंदा रात नूं सौं जांदा है ते सौण वाला आदमी रात नूं सौंदा है, ओदी कुद्दी दे अंदर शैतान आके तीन गिरा लगा दिंदा है, तीन गंडा मार दिंदा, ओ बंदा जादू दी सद दे अंदर मौजूद है, ओदे उपर साया हो गया है। महबूबे कायनात अलैहि सलातो वसलाम ने फरमाया, इस साये तो नजात चाहते हो, इस जादू तो नजात चाहते हो, इस मुसीबत चो निकलना चाहते हो, आओ फिर मैं दसना चाह रहा। एक ओ जिक्र है जेड़ा महबूब ने दसिया है, दूसरा ओ जिक्र है जेड़ा तुहाडे बाबे ने तुहानू दसिया है। बाबा जी की बड़ी अहमियत होएगी, मगर सुन लो मेरा ऐलान, काबा दे रब दी कसमे, सारी कायनात दे बाबे कठे करके अपने बाबे समेत मुहम्मद दियां जुतियां तो वार देवां। मेरे महबूब दा मुकाम बहुत बुलंदो बाला है, मेरे नबी दे सामने किसे बाबे दी कोई अहमियत नहीं। पाक पैगंबर ने फरमाया, जदों बंदा सौंदा है ओदी गुद्दी दे अंदर तीन गिर्रा शैतान लगा दिंदा है, ओ गिर्रा तेरी मर्जी दे नाल नहीं खुलनियाँ, महबूब दी मर्जी दे नाल खुलनियाँ ने, कि मैं खुलन गियाँ। सुन जरा महबूब दा फरमान, अगला मुकाम ते कारी दा बयान। महबूब कायनात फरमा रहे ने, बंदा सुबह फजर दी नमाज तो पहलो उठदा है, उठ के अपनी जुबान तो कहिंदा है, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी, ऐ जे जिकर, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादमा अमातना व इलैहिन नुशूर। महबूब ने फरमाया, जेड़ा बंदा सवेरे फजर वेले उठदा है और उठ के ए दुआ पढ़दा है, उस बंदे दी एक गिर्रा खुद ही खुल जांदी है, ओनू फिर किसे बाबे दे कोल जाण दी लोड़ किसे बाबे दे कोल जाण दी लोड़ नहीं है। महबूब ने फरमाया, इस बंदे ते जादू हो गया है, इस बंदे ते आसेब हो गया है, इस बंदे ते साये दी कसर हो गई है। जग्गां दे पीर ते रब दे हबीब अलैहि सलातो वसलाम ने फरमाया, फिर बंदा वाशरूम चो हो के वापस आंदा है, वजू करदा है, वजू करदियां होया अपने नक नू अच्छी तरह झाड़ दिंदा है, ए वुजू करदिया नक नू अच्छी तरह झाड़ दिंदा है, वुजू करदा है सुन्नत दे मुताबिक। महबूब फरमांदे ने, वुजू तो पहलो फरमांदा है बिस्मिल्लाह, ते वुजू तो बाद कहिंदा है अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ए जिक्र करदा है, एदी गुद्दी दे अंदर जिहड़ियां शैतान ने गंडा मारियां ने, एदी एक होर गंड खुल जांदी है, ए बंदा सुन्नत दे मुताबिक मुसल्ले दे आके खड़ा हो गया है, अल्लाह दी बारगाह दे अंदर गिरिया जारी करदा है, रब नूं मनाण वास्ते खड़ा हो गया है, नमाज पढ़न वास्ते खड़ा हो गया है। महबूब अलैहि सलातो वसलाम ने फरमाया है, ए सुन्नत दे मुताबिक नमाज अदा करदा है ते शैतान तो अल्लाह इहनूं नजात अता फरमा दिंदे ने, शैतान तो यदि जान ठुट छुट जाती है, इनू बिल्कुल कोई जादू, कोई टोना, कोई आसेब, कोई मुसीबत, कोई परेशानी नहीं छू सकती। जेड़ा बंदा सुन्नत के मुताबिक उठता है,
सुन्नत दे मुताबिक वजू कर दे, सुन्नत दे मुताबिक नमाज अदा कर दे, उस बंदे नू शैतान तो अल्लाह आजाद कर देंदे ने। मगर सुन लवो, आज पाकिस्तान दे अंदर बल्कि पूरी दुनिया दे अंदर मुसलमानों दी रूटीन बड़ी अजीब है। मगरब दी कल्चर नू अपना के सीने नाल लगा के तुसा इस तरह दा रवैया अपना लिया है कि नहीं नहीं असी फजर वेले नहीं उठना, असी 11 बजे उठांगे, 12 बजे उठांगे, 1 बजे उठांगे। जेड़ा बंदा 11 बजे उठता है, 12 बजे उठता है, एदा मतलब है ना सुन्नत दे मुताबिक उठे है, ना सुन्नत दे मुताबिक वजू कीता है, ना सुन्नत दे मुताबिक नमाज अदा कीती है। उस बंदे ते मुसीबत आएगी, सारा दिन ओदे ते शैतान मुसल्लत होएगा, ओदे कंधियां दे अंदर भी दर्द, ओदे दिमाग दे अंदर भी दर्द, ओदियां अखां दे अंदर भी दर्द, ओदे वजूद दे अंदर भी दर्द, ओदा वजूद सारे दा सारा जकड़िया होया है। ओनू आजादी मिली, ओनू आजादी नहीं मिली, ते जिन्हों आजादी नहीं मिली ओने फिर सुन्नत नहीं अपनाई, ते दूसरा रवैया अख्तियार कर लेना है। काला बकरा लिया है ते काला कुकड़ लिया है, मौलवी जी मेरे ते जादू दा असर हो गया। मैं कहना भाई जान तेरे ते जादू दा असर होया है, वाकई होया है, मगर इस जादू तो निजात किवें मिलनी सी? जिमें मिलनी सी तू ओ काम कीता नहीं, हुण की करेगा? बाबा जी ने कहा मैनू 10,000 दे दियो, ते 70 वारी पढ़िया जे यार रहमान यार रहमान यार रहमान। हुण बाबे नू भी इलम नहीं है एदे तो नजात किवें मिलनी है, ते उस बंदे नू भी इलम नहीं है एदे तो नजात किवें मिलनी है।